अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन अर्निंग के ऊपर। जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो हम पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे सेटअप कर सकते हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, लाइव वीडियोस को, ओरिजिनल वीडियो आपके सामने करके भी दिखाऊंगा और आप सबको सिखाऊंगा भी। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो टोटल फ्री में मिल सके। हमारा चैनल ई कॉमर्स एक्सेल ई कॉमर्स के नाम से है। आप इसको सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियोस को और पूरे कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखें और पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर्स और पाउंड्स कमाएं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो सके। हमारे मुल्क को खुशहाल करने में हमारा ये पहला स्टेप है। तो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव प्रूफ और लाइव ट्रेनिंग के साथ सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलते हैं पहली वीडियो की जानिब। तो मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़ॉन का इंटरफेस। अमेज़ॉन एक तो बायर अकाउंट होता है, फिर एक सेलर अकाउंट होता है, उन दोनों पे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हम आ गए हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है। यहाँ से हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। यहाँ से हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो हमने लेनी है वो कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप करता हूँ ऐसे ही, तो ये मुझे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा। अब ये देखें, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत जैसे बेस्ट सेलर है, इसके आगे ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इन सारे को मैं आपको डिटेल में पूरी समझाऊंगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इनके अंदर किसी एक प्रोडक्ट को हम पहले खोलेंगे, फिर उसके ऊपर पूरी डिटेल सारी मैं आपको सारी डिस्कशन करके बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक BIC की प्रोडक्ट है, पेंसिल्स हैं, इसको मैंने खोला। ये ओपन हो गई। ओपन होने के बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर पिक्चर्स में हम देखें तो 3-4 पिक्चर्स, वीडियो भी साथ हमें शो हो रही हैं। कुछ ये टूल्स हैं जो मुझे सारा डाटा दिखा रहे हैं। इन टूल्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में फिर बताऊंगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अगर आप देखें, सबसे पहले जो हमारा इम्पैक्ट जाता है इस प्रोडक्ट को देखने के बाद वो ये होता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो रिव्यूज़ 5 स्टार लगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ये 5 स्टार रिव्यूज़ का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है। अब अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे माउस को तो आप ये देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है 4.7 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, यानी इसके ऊपर जो कस्टमर का फीडबैक है, जो कस्टमर का रिव्यू, वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम परचेज़ करना चाहें तो डेफ़िनेटली हम देखते ही परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखें तो ये इसके अंदर VAT इंक्लूडेड और VAT एक्सक्लूसिव प्राइसेस हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में करेंगे। तो 8.22 पाउंड्स की हमें एक्सक्लूसिव VAT और 9.87 पाउंड्स की ये हमें मिल रही है। इसके ऊपर 4% का डिस्काउंट भी है अगर हम अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन को देख के चलें। तो इनके ऊपर भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। अच्छा, इस प्रोडक्ट को देखते हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस कैसे होगा कि ये सारी प्रोडक्ट हमें अच्छी लग रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम फर्दर डिटेल में जाते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ। ये ग्राफ है कीपा का, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में समझाऊँगा कि इस ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं। इसके बाद हम इस प्रोडक्ट की नीचे डिटेल में चले जाएँगे, सारे इसके पिक्चर्स और वो सारी चीज़ें हमें इसमें नज़र आएंगी। ये इस सेक्शन को मैं दिखाना चाह रहा था, ये सेक्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस प्रोडक्ट के अंदर पूरी इस प्रोडक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इसका ASIN है। ASIN इसका एक यूनिक नंबर होता है जो कि अमेज़ॉन ने हर एक प्रोडक्ट को अलाट किया होता है। यानी आप ये समझ लें कि ये अमेज़ॉन का SKU है जिससे एक प्रोडक्ट सेग्रीगेट होती है। ये एक यूनिक नंबर होता है, इसी यूनिक नंबर से आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसका UPC कोड होता है जो कि बार कोड भी कहलाता है। इसके बाद फिर रेटिंग रिव्यू और यहाँ पे भी नज़र आएंगे आपको। और इसके बाद ये एक बेस्ट सेलर रैंक होता है। बेस्ट सेलर रैंक के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पर सेलिंग करने जा रहे हैं या बाइंग करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो बेस्ट सेलर रैंक का जानना ज़रूरी है। अब इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो नंबर 1 स्टेशनरी एंड ऑफिस है। तो नंबर 1 स्टेशनरी का मतलब है कि इसका रैंक हायर है। जितना 1 की तरफ जाएगा उतना हायर होगा, जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना वो डाउन होता जाएगा। अगर ये 2 होता या 3 होता तो डेफिनेटली इसकी सेल कम होनी थी, यानी इसका रैंक नीचे गिर जाना था, इसकी सेल कम हो जानी थी। तो बेस्ट सेलर रैंक हमें ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है, नंबर 1 इन स्टेशनरी एंड ऑफिस। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी सारी पूरी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद इसका मैनुफैक्चरर, ब्रांड और इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें नज़र आएगी। स्पेसिफिकली हम जो वेट देखते हैं, हमें जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी है या हमने सेलिंग करनी है तो हमें जितनी छोटी प्रोडक्ट मिलेगी उसके ऊपर हमारी शिपिंग कॉस्ट उतनी कम जो है वो पड़ेगी, कम चार्ज होगी, तो जिसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे।
वो आगे SNL में भी इनरोल होगी। SNL क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे फर्दर बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के सर्चिंग के तरीके, कि प्रोडक्ट को हम हंट कैसे करते हैं या प्रोडक्ट को एवेल्युएट कैसे करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम टूल्स के साथ लेके चलते हैं। एक प्रोडक्ट हमने निकाल ली, सबसे पहले जो तरीकाकार है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो एक जेनेरिक कीवर्ड, एक रैंडम कीवर्ड एक टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके पास फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप आगे लेके चलते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें और होती है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को बेचें, कौन सी ना बेचें, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी कैटेगरी फ़ायदेमंद नहीं है, उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम इसी कीवर्ड को दोबारा से सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास ये डिटेल्स में सारी प्रोडक्ट्स दोबारा से आ जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सारी कैटेगरीज़ हैं, होम एंड किचन है, टॉय एंड गेम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम जिस कैटेगरी में जाना चाहें हम जा सकते हैं, हम जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट को बेचना चाहें बेच सकते हैं। जो न्यू सेलर्स होते हैं या जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो होम एंड किचन की कैटेगरी में जाएं, या आप स्टेशनरी की कैटेगरी में चले जाएं, या आप DIY टूल में चले जाएं, क्योंकि बाकी कुछ कैटेगरीज टॉयज़ एंड गेम्स हैं या इस तरह की कैटेगरी, वो गेटेड कैटेगरीज़ होती हैं। गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं उसकी डिटेल में बताऊंगा आपको। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज भी होती हैं जो आपको शुरू शुरू में चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए। शुरू शुरू में वो बेचनी चाहिए प्रोडक्ट्स जो आप ले लें और उसको फ़ौरन आप निकाल के उस पर अपना मार्जिन निकाल सकें। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये होम एंड किचन की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इसके बाद फिर मेरे पास ये देखिए कस्टमर रिव्यू की ऑप्शन भी आ रही है। कस्टमर रिव्यू में कि अगर आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट की सेलिंग भी होगी, उतने ही लोग उसको ज़्यादा बाय कर रहे होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके सर्च करें। इसके बाद फिर नीचे आपको ब्रांड्स की ऑप्शन आ जाती है, फिर प्राइस की ऑप्शन आ जाती है। तो आप लो प्राइस वाली आइटम भी ले सकते हैं, हाई प्राइस वाली भी ले सकते हैं बेचने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कोशिश ये आपने करनी है कि आप 15 to 50 pounds वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, ताकि अगर आप कुछ मार्जिन बचे तो वो आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी उसका हो। तो मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास होम एंड किचन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये मेरी एक सिलेक्शन बनती जा रही है, जो मैं एक क्राइटेरिया चूज़ करके चल रहा हूँ कि मैं होम एंड किचन में बेचूँगा 15 pound to 50 pound वाली प्रोडक्ट को बेचूंगा, और उसकी जो रेटिंग रिव्यू होगी वो 4 star से ऊपर होगी। तो ये एक सिलेक्शन मेरा पूरे पास यहाँ पे सेव होता जा रहा है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये मैं यहाँ पे सारी सिलेक्शन अपनी करता जा रहा हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मार्केट प्लेसेस भी आ रही हैं, यूरोप की बनी हो, UK में हो, तो ये सारी जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन यहाँ पर मेरे पास आता जा रहा है। ये एक बिल्कुल स्टार्टअप है प्रोडक्ट हंटिंग का। मज़ीद जो आपको मैं दिखाऊंगा एक डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में होगी। उसमें हम टूल्स को भी इस्तेमाल करेंगे और उन प्रोडक्ट को एक सिलेक्ट करके हम एक प्रोडक्ट को ले कर आएंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी है बेचने के लिए या बाय करने के। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी, जो कि टोटल प्रैक्टिकल के साथ होंगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।